हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो आज को हम लोग आ गए हैं और आज को कुछ अनोखा बात होने वाला है और आप लोग पूछते रहते हैं कि मतलब ये चीज़। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ये वाला स्टेडियम के बारे में, जो ये ब्लू वाला स्टेडियम है। तो वैसे तो आप लोग पूछते रहते हैं कि मतलब मैंने कहाँ से लिया, मैंने ये किधर से लिया, मैंने लिंक आप शेयर कीजिए। मैंने पूरा दिखा दिया था, मैंने लिंक ही खाली मैंने नहीं दिया था। तो मैंने तो इसके दिखा दिया था, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप लोग ने कहाँ से लिए। तो मैंने आप लोग तो मतलब ये तो हम लोग का बेब्लेड स्टेडियम नहीं है। आप लोग सोचेंगे बेब्लेड स्टेडियम तो ये नहीं है, लेकिन हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ बेब्लेड स्टेडियम की जैसा ही, क्योंकि और ये तो नाडो नाडो एरिना है, जो बेब्लेड जैसे वो लोग लाए थे एक टॉय, तो उसी का है ये स्टेडियम। तो वो लोग एरिना बोलते हैं, तो उसी से मैंने ले लिया था। तो मैंने हेमले से मैंने ले लिया, उसमें बेच रहा था। मतलब उसका वेबसाइट का नाम है सोफर्स स्टॉक, जो आप लोग ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। ये इंडिया का ही है और इंडिया में वो लोग अच्छा खासा डिलीवरी कर लेते हैं टाइम में, और आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं। मतलब हमको 1 वीक, ऑलमोस्ट टोटली 1 वीक लग गया ये स्टेडियम मेरे पे पहुंचने के लिए। तो पैकेजिंग तो और मेन अनबॉक्सिंग तो मेन चैनल में देख सकते हैं। तो ये वाला स्टेडियम तो मैं फिलहाल अच्छा ही है, बेस्ट ही है मैं बोलूँगा। 999 में हमको मिला था, 1000 के अंदर में, 899 में मिल रहा था, लेकिन बोल रहा था कि 1000 प्लस शॉपिंग करो। तो ऐसे कुछ नहीं था उस साइट में, तो मैंने छोड़ दिया फिलहाल। तो शायद ये आउट ऑफ स्टॉक है, अगर मिल जाता है तो आप लोग ले लीजिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है फिलहाल। तो आप लोग को बेब्लेड स्टेडियम कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे इंडिया में, और बड़ी मुश्किल के साथ मिलेगा भी तो आपको बहुत इंटू एक्स, मतलब आप लोग को ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, मतलब शायद डबल भी देना पड़े, शायद 3 गुना भी देना पड़े, कुछ ऐसे हो गया है बेब्लेड स्टफ सब में हम लोग का प्राइस का दाम। तो चलिए मैं घुमा लेता हूँ कुछ बेब्लेड्स। तो इसमें मैं अटैक वाला बेब्लेड भी मैं घुमाता हूँ, और मैं स्टेमिना घुमाता हूँ, बैलेंस घुमाऊँगा, और देखते हैं ये क्या क्या आप लोग का रिस्पॉन्स है और कैसे आप लोग को दिखेगा। तो मैं लाया हूँ कुछ बेब्लेड यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हम लोग का, आप लोग तो वर्ल्ड स्प्रेगन आप बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसको घुमा लेते हैं। तो ये तो हम लोग का बहुत अच्छी घूम लेती है, ये बैलेंस टाइप या फिर अटैक टाइप बेब्लेड, नहीं बैलेंस टाइप, और ये आपका ये स्टेमिना टाइप बेब्लेड्स, तो आप लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे घूमने को देखने को मिलता है। लेकिन जब अटैक वाला पार्ट आ जाता है तो हम लोग का अच्छा नहीं घूमता है, जैसे कि ये लेफ्ट स्पिन है, ये तो लेफ्ट स्पिन बेब्लेड सब भी ठीक है, मतलब वो तो वैसे ही है, लेकिन स्टेमिना टाइप रहेगा लेफ्ट स्पिन भी तो ओके है। हाँ फंस जाता है, तो यहाँ पे इस तरह हम लोग का घूम रहा है। तो मैं अटैक टाइप बेब्लेड लाता हूँ, तो अटैक में मुझे मिला बहुत ढूंढने के बाद ये विनिंग वेलकरी और गॉट वेलकरी जो मिला। तो ये दोनों तो हम लोग का ये क्या बोलते हैं राइट स्पिन है, तो मैं शॉर्ट लॉन्चर यूज़ करता हूँ और ये गॉड वेलकरी को मैं लगता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जब ज़्यादा रफ्तार से या फिर ज़्यादा अटैक टाइप बेब्लेड से आप लोग लड़ते हैं तो किनारे एजेस में टकराने लग जाते हैं, मीन्स यहाँ पे अपना वाल में, स्टेडियम का वाल में। तो चलिए घुमा लेते हैं। चीट वन टू शूट, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, जो कि हम लोग का किनारे में टकराता है और हम लोग का स्पीड पूरा धीरे हो जाता है। तो यही सीन है, जो ये अटैक टाइप के लिए नहीं है या फिर अटैक टाइप बेब्लेड्स के बैटल के लिए नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा हम लोग का तो एनर्जी हम लोग का ये वाल ही खा जाएगा। थ्री टू वन गो,
तो ये तो गॉड वेलकर तो फिर भी ओके ओके है, घूम लेते हैं। और विनिंग वेलकर तो ज़्यादा ही अटैक है, मतलब एकदम बूम 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 करके एकदम वॉल में ही लगती हैं, तो यही है। और तो यही हमको एक डिफेक्टिव लगा ये स्टेडियम का, नहीं तो बाकी सब बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी और टिकाव भी बढ़िया है। एक एक ब्रो ने, मतलब एक ब्रो ने हमको कमेंट किया, मतलब हमारा ही दोस्त है, दोस्त के हम तो सब्सक्राइब किए हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब ये रिसाइकिल वाला यहाँ पे प्रिंटेड है स्टेडियम के बीचों बीच, इसको कैसे हटाए। मैं तो नहीं बोलूँगा इसको हटाने के लिए, और ये इसको हटाना इसलिए था क्योंकि इसका स्पीड धीरे हो जा रहा था सेंटर में बेबलेट आके, क्योंकि ये प्रिंटेड है इसके ऊपर से, तो इसलिए। तो मैं बोलूँगा कि क्यों हटाएंगे, अब मत हटाइए, या फिर रफ रफ कीजिए एकदम, मतलब प्लेन कपड़ा से, ये नहीं कि मतलब रफ वाला कपड़ा से फिर एजेस पड़ जाएगा, स्क्रेचेस पड़ जाएगा, फिर आपका डिफेक्ट हो जाएगा ये स्टेडियम। तो घुमाते रहिए, ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, ऐसे वाला बात नहीं है, ये नहीं हटेगा। तो यही है मेरे तरफ से, तो यही है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ढेर सा लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय।